हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलो जो वर्ड यूज होता है वो हमारे ब्रेन के लिए होता है। आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। सो एनसेफेलाइटिस क्या है? इट इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन विच इज मेनली कॉज्ड बाय वायरस, रेयरली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। यानी मेन कॉज जो एनसेफेलाइटिस का है वो वायरस ही होता है, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वायरस है। फिर हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे। साइन एंड सिम्टम क्या है? फीवर होगा पेशेंट को, हेडेक होगा, नेक रिजिडिटी, वॉमिटिंग है, कंफ्यूजन, सीजर्स हो सकते हैं एंड एक्सेसिव ड्रॉजीनेस। फिर आती है हमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी है, यानी डायग्नोस कैसे करेंगे हम, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। जो बेसिक है वो सीबीसी, ईएसआर कराएंगे हम, ब्लड कल्चर, सीटी, एमआरआई करा सकते हैं ब्रेन का, ईईजी और सीएसएफ की एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, जैसे हमने पहले ही बात की कि वायरस की वजह से होता है, तो ए साइक्लोविर देनी, ए साइक्लोविर 200 to 800 mg। और अगर बैक्टीरिया भी है, मतलब उसकी वजह से भी है, तो हमें जैसे मेनिनजाइटिस का ट्रीटमेंट है उसी तरह इसको ट्रीट करना है। स्टीरोइड्स में हम प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं 5 to 20 mg, एनेसिड्स दे सकते हैं, पेन किलर, डिक्लोफिनेक, आइबोप्रोफिन, एसिलोफिनेक, ठीक है। फिर आता है जो एनसेफेलाइटिस है, अगर हम इसका आयुर्वेद में उपचार करें, यानी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, जो सिद्धांत है वो क्या होगा, हमें इसमें शोफनाशक चिकित्सा करनी है, क्योंकि आइटिस इन्फ्लामेशन हो रही है, तो शोफनाशक चिकित्सा और धातुगत ज्वर नाशक जो हम चिकित्सा करते हैं उसका सिद्धांत हमने ध्यान में रख के इसका ट्रीटमेंट करना है। फिर इसमें आता है कि हम चूर्ण क्या दे सकते हैं, श्रृंगबेर आदि चूर्ण दे सकते हैं, पिपली चूर्ण दे सकते हैं, वटी में महासुदर्शन घनवटी और गुरोचन आदि वटी दे सकते हैं, कषाय में दशमूल, पंचकोल आदि क्वाथ, गुड़ुच्चे आदि क्वाथ दे सकते हैं, रस औषधि में जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस या काल केतु रस, आसव अरिष्ट में अमृतारिष्ट और पंचकोलासव। मीन्स जो हमारा ये एनसेफेलाइटिस है इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, जस्ट एक सिद्धांत बताया कि अगर एनसेफेलाइटिस है और वो पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता है तो हमें उसमें चिकित्सा सिद्धांत कैसा प्रयोग करना है, शोफनाशक और दूसरा धातुगत ज्वरनाशक। तो ये हमारा टॉपिक हो गया एनसेफेलाइटिस। थैंक यू।